सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में कुछ इसी तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखेंगे। अगर आपको भी कुछ इसी तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे, एडिट अ फोटो में क्लिक करके इस वाले बैकग्राउंड को ऐड करना है। इस वाले बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐड कर लेने के बाद एड फोटो में क्लिक करेंगे, फिर एक PNG को ऐड करेंगे। हम जितने भी मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं इस फोटो को एडिट करने के लिए, उन सभी मटेरियल्स का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फिर शेडो में क्लिक करें, पोजीशन में क्लिक करके 100 करें इसको, इसको भी 100 करें। इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पास क्लिक करें, इन डुप्लीकेट में क्लिक करें, फिर इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, फिर रोटेट करके कुछ इस तरह से रख देंगे, फिर डन करेंगे। फिर सेट फोटो में क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम का PNG ऐड करेंगे और इंस्टाग्राम का जो टेक्स्ट है उसको PNG को पहले एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, फिर टेक्स्ट को, डन करेंगे। एड फोटो में क्लिक करेंगे, PNG को ऐड करेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे, साइज को बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, फिर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। शेडो में क्लिक करेंगे, पोजीशन में क्लिक करके 100 करेंगे। फिर लेफ्ट साइड में इरेजर का आइकन दिख रहा है, इसमें क्लिक करें, जूम कर लें कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पास को इरेज कर लें। फिर डन करें, डन कर देंगे। एड फोटो में क्लिक करेंगे, फिर आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट कर लेना है, उस स्क्रीनशॉट को ऐड करें, क्रॉप में क्लिक करके क्रॉप कर लें यहाँ तक, डन करेंगे। कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे इसको, ब्लेंडिंग में क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई में क्लिक करेंगे, फिर कुछ इस तरह से बड़ा कर लेंगे थोड़ा, फिर से ऐड फोटो में क्लिक करेंगे, फिर से उसी चीज स्क्रीनशॉट को ऐड करेंगे, क्रॉप में क्लिक करेंगे, फिर जो हाइलाइट्स हैं उनको ऐड कर देंगे, डन करेंगे। फिर बड़ा कर लेंगे इसको कुछ इस तरह से, ब्लेंडिंग में क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई में क्लिक करेंगे, फिर छोटा करके यहाँ पास रख लेंगे, डन करेंगे। सो गाइज, हम लोग का फोटो रेडी हो गया। अब इसको सेव करेंगे, ड्रॉ में क्लिक करेंगे, इन 3 डॉट में क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे।